देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखिए वैशाली जिला की खबरें। वैशाली जिला अंतर्गत महुआ थाना क्षेत्र में भदवास पंचायत से ननिहाल गए प्रमोद कुमार अधिवक्ता के तृतीय पुत्र राजा को असामाजिक तत्व के लोगों ने जान मारने की नीयत से हमला कर किया अधमरा, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन उपचार के लिए पटना PMCH लेकर गए। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। गोरौल थाना पहुंच मामले की जांच में जुटी। पारसनाथ सिंह की रिपोर्ट। राजा बाबू हम बस कौन चलाते रे राजा बाबू, अब स्कूल के बस कौन चलाते रे, अब स्कूल के बस कौन चलाता है रे। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? कुछ नहीं। नहीं, आपके साथ है इस तरह का बात हुआ है तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुआ आपको? बाद में बताएंगे। अच्छा, इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी यही है सर, राजा बाबू के घर से खींच के मारते ले गया, मारते मारते वहाँ पर बेहोश कर दिया, प्रशासन आया तो छोड़ के भागा। तो राजा बाबू का तो घर हसनपुर भदवास में है, वहाँ नलिहाल में रहता है। अच्छा, आप कौन है? आप उनको गांव के हैं, अगल बगल के हैं, भाई लगेंगे इसे। तो वो घर से खींच के राजा बाबू को मारा गया है? मारा गया है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, पिता के नाम श्री रामचंद्र है, हर पिरोई।